गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन राणा, पीएचडी मैथमेटिक्स, एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय एमडन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत। तो आज हम सेवन्थ क्लास में जो चैप्टर फोर्थ है, दैट इज सिंपल इक्वेशंस, इसमें एक्सरसाइज 4.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उस लिंक पे जाके आप प्रीवियस वीडियो में 4.1 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो देख लें, थोड़ा बेसिक आपको पता चल जाएगा कि सिंपल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखिए, जरा कल हमने जो फोर्थ क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनाने थे। जो फोर्थ क्वेश्चन था कल हमने किया था वो था स्टेटमेंट टू इक्वेशन। ठीक है, अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा उसमें उल्टा है, थोड़ा उसका इनवर्स है। आपको इक्वेशन दे रखी है एंड यू हैव टू मेक द स्टेटमेंट्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन है जो उसमें आपको इक्वेशन दे रखी है, तो आपको कन्वर्ट करना है उनको स्टेटमेंट। तो फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो देख लेते हैं। इसका फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है जो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, आपको इक्वेशंस हैं जो दी हुई हैं अभी उनको स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है वो है p प्लस 4 इज इक्वल टू 50, ये है p प्लस 4 इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है मैथमेटिकली, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द स्टेटमेंट फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एडिशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, वो इसमें एक चीज ध्यान रखें, कोई ज़रूरी नहीं है जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब जो आप स्टेटमेंट बना रहे हैं और जो आप अगर आंसर चेक करते हैं वो सेम हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हम पी प्लस 4 इज इक्वल टू 15 का मतलब है एडिशन ऑफ पी एंड 4 इज 15। ठीक है, तो एडिशन की जगह आप सम भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप चेंज करोगे इसको तो जो आंसर आएगा आपकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी कि सम ऑफ पी एंड 4 इज 15। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया आपने इस इक्वेशन को। फोर्थ क्वेश्चन था जो उसमें आपको ये दे रखा था कि सम ऑफ पी एंड 4 इज 15, तो आपने क्या किया था, सम का मतलब यहाँ प्लस किया था, फिर पी एंड 4, पी और 4 लिखा था, इज 15 मतलब इक्वल टू 15, ऐसे किया था। तो वो स्टेटमेंट फॉर्म थी, आपको ने कन्वर्ट किया था इक्वेशन में। ये मैथमेटिकली इक्वेशन दे रखी है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द स्टेटमेंट फॉर्म। तो ये कन्वर्ट हो गई, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं जरा, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड है m माइनस 7 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखिए 7 को आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें से, m में से, तो आपको क्या मिलेगा 3। तो आप यहां लिख सकते हैं
सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एम, ये तो हमने ये चीज लिख दी, सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एम मतलब आपने एम में से सेवन को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एम इज इक्वल टू 13, तो आप लिख सकते हैं गिव्स 3, गिव्स 3, तो ये जो स्टेटमेंट बन गई आपकी सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एम, तो एम माइनस सेवन सिर्फ इसका मतलब था, ये सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एम, एम में से सेवन को सब्ट्रैक्ट किया गिव्स 3 इक्वल टू इज, तो ये थोड़ा आप चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका आंसर मतलब कि जो आपका आंसर आया है वही बुक में भी आंसर, ठीक है, थोड़ा सा ये स्टेटमेंट पार्ट में थोड़ा जो इंग्लिश है उसमें आप थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये ना सोचे कि आपका आंसर नहीं मिल रहा इट मीन्स यू आर रॉन्ग, ठीक है, तो m माइनस सेवन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जरा इसका एक पार्ट, थर्ड है, थर्ड है 2m इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए इस m का जब मैं डबल कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसका क्या कर रहा हूं डबल कर रहा हूँ तो क्या आएगा, सेवन आएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, डबल द नंबर एम इज सेवन, ठीक है, अगर मैं इस नंबर का एम का डबल कर रहा हूँ तो क्या आएगा, सेवन ही तो आएगा। अब आप इसमें डबल की बजाय ट्वाइस भी लिख सकते हैं, जब टू टाइम्स ऑफ द नंबर m इज 7, कुछ भी लिख सकते हैं, टू टाइम्स लिखेंगे, ट्वाइस लिखेंगे, डबल लिखेंगे, ऑल आर द सेम थिंग्स, ठीक है, 2m इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, डबल द नंबर m, डबल द नंबर m इज 7, जब डबल द नंबर m गिव्स 7 की बात है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका क्या कह रहा है, m upon 5 is equal to 3, m upon 5 is equal to 3, अब इसमें देखिए ये m का आपको 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका 1/5 हो गया, m का क्या हो गया 1/5, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/5 of नंबर m इज 3, ठीक है, 1/5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 1/5 क्या होगा 3 होगा। एक चीज ध्यान रखें, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 1/5 कर देते हैं, जैसे ये लिख देते हैं, वो लिखेंगे 1/5 ऑफ नंबर इज 3, ये चीज ऐसे लिख देते हैं, तो इसको आप थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है इसको स्टेटमेंट फॉर्म में, तो जो ये 1/5 आप ये मैथमेटिकली टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि आप यहाँ पे भी 3 यूज कर रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें डबल हो गया, ठीक है, 1/5 हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखें, तो 1/5th लिखने की बजाय आप 1/5th लिखें, ठीक है, अगर देखा जाए तो इस पे ये नहीं है कि आपका गलत हो गया, क्योंकि हमें तो चेक करना है कि आप उसको सही से कन्वर्ट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे स्टेटमेंट फॉर्म में, आपने इतना कर दिया उसको स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है, इसमें भी गलती नहीं है कुछ भी, लेकिन कोशिश करें जो ये टर्मिनोलॉजी होती है आपकी 1/5, 1/3 इनकी बजाय आप स्टेटमेंट में लिखें इंग्लिश में कि 1/3 आरडी में ना लिखें, 1/3 लिखें, 1/3 आरडी, ऐसे इसमें ये चीज़ अवॉइड करें, इसकी बजाय ये लिखें 1/5,
ठीक है। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं एक बार। थ्री एम अपॉन फाइव इक्वल टू सिक्स, ठीक है। ये है क्वेश्चन, थ्री एम अपॉन फाइव इज इक्वल टू सिक्स। अब देखिए ये क्या है, थ्री फिफ्थ बोलेंगे इसको, एम का क्या है थ्री फिफ्थ, तो थ्री अपॉन फाइव का लिखेंगे हम थ्री फिफ्थ ऑफ नंबर एम। थ्री अपॉन फाइव का मतलब हो गया थ्री फिफ्थ, थ्री फिफ्थ ऑफ नंबर एम इज सिक्स, ठीक है। थ्री फिफ्थ ऑफ नंबर एम इज सिक्स, या सिक्स की बजाय आप बेसिक से सिक्स को मैथ्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, एज ए नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था फिफ्थ पार्ट। सिक्स देखते हैं जरा। देखिए सिक्स्थ है जो, थ्री पी प्लस फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, ये है थ्री पी प्लस फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पी के, पी जो नंबर है इसके थ्री टाइम्स में, ट्रिपल में फोर ऐड कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है ट्वेंटी फाइव, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि थ्री टाइम्स अ नंबर पी, पहले हमने थ्री पी को लिखा, थ्री टाइम्स अ नंबर पी इज एडेड टू फोर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो ये नंबर होते हैं इनको आप फोर एफ यू आर ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये साथ में आप डबल ट्रिपल वन फिफ्थ वन थर्ड ये चीज़ें लिखते हैं, सिर्फ इन चीज़ों के लिए कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करें कि आप ऐसे लिखें थ्री टाइम्स में, यहाँ पर थ्री ना लिखें, ठीक है। और जो लूज में नंबर है हमारे फोर हो गया ट्वेंटी फाइव हो गया, ये आप लिख सकते हैं एज इट। तो देखिए थ्री पी को मैंने लिख दिया थ्री टाइम्स ए नंबर पी प्लस फोर इज एडेड टू फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव गिव्स ट्वेंटी फाइव, ठीक है। थ्री टाइम्स ऑफ नंबर पी इज एडेड टू फोर गिव्स ट्वेंटी फाइव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये सिक्स था, तो हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, सेवन्थ एट्थ पार्ट, ठीक है। तो एट्थ पार्ट है जो वो है p बाय टू प्लस टू इज इक्वल टू एट, ठीक है। ये अब देखिए इसमें टू ऐड हो रहा है, टू ऐड किसमें हुआ p बाय टू में, तो जैसे p बाय टू है, ठीक है, तो इसको तो हम हाफ बोल सकते हैं। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जैसे टू टाइम्स हो गया उसको सीधा डबल बोला जा सकता है, ठीक है। पी अपॉन फाइव होता तो वन फिफ्थ, फाइव होता तो फाइव टाइम्स, तो ये चीज़ ध्यान रखें पी बाई टू का मतलब होता है हाफ ऑफ पी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको लिख दीजिए कि हाफ ऑफ ए नंबर पी is added to टू। देखिए मैंने यहाँ पर जो ये वन अपॉन टू हाफ आया है, इस हाफ को मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में इंग्लिश में लिखा है, हाफ ऑफ ए नंबर पी, ये जो नंबर है ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए नंबर पी इज एडिड, वो एड किया गया है टू टू, किसमें टू में, इज एडिड टू टू गिव्स
क्या मिल रहा है, एट गिव्स एट। ठीक है, तो ये था इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फिफ्थ पार्ट था जिसमें आपको इक्वेशन से स्टेटमेंट में पढ़ाना है, उनमें चेंज करना था मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा इनसे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट स्टेटमेंट भी मिलेगी, कुछ केसेस मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ एज से रिलेटेड, ठीक है, डबल ट्रिपल कुछ ऐसा जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे उन, मतलब जो ये हमने क्वेश्चन किए हैं इन दोनों स्पेशली जो फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, इन दोनों की हेल्प से ही हम सिक्स्थ क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।